हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हम लोग जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें डीएनए के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डीएनए का पैकेजिंग कैसा होता है वो पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कि जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे की स्टडीज में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल का क्या है कि इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें अपनी कॉपीज बनाने का एबिलिटी होता है। ठीक है, मीन्स अगर एक डीएनए है तो वो अपने और कॉपीज बना सकता है। ठीक है, वो उसके अंदर एक सेल्फ डुप्लीकेशन का सेल्फ रेप, उसको हम बोलते हैं डीएनए की कॉपी बनने को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसमें होती है। ठीक है, जैसे वायरस है, वायरस के अंदर आरएनए है तो वो आरएनए की कॉपीज बनाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जैसे कोरोना वायरस है, उसमें आरएनए है तो वो हमारे बॉडी में आके उसकी कॉपीज बनाता है, वो हमसे नहीं सीखता है कि कैसे बनाना, उसके अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, वैसे अगर किसी के अंदर डीएनए है तो वो डीएनए अपने कॉपीज बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनिज्म जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ सालों के लिए तो नहीं है ना, होमो सेपियंस हजारों साल से है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है बहुत स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था, एक आरएनए वर्ल्ड होता था, बट आरएनए उतना स्टेबल नहीं था, तो आरएनए से इवोल्यूट होकर डीएनए बना, और डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हजारों लाखों सालों तक डीएनए रहता है, डायनासोर से सब के बारे में हमें डीएनए से पता चला। ठीक है, तो डीएनए अगर मान लो आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल पे आप एक डीएनए छोड़ देते हो और अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है, वो टेबल जमीन के अंदर चला जाता है, हजारों साल के बाद भी उस टेबल पे से वो डीएनए वहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई ढूंढना चाहे तो वो टेबल पे उसे वो डीएनए मिल जाएगा, मीन्स उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखो बर्फ में दबा हुआ कोई एलिफेंट का फॉसिल मिलता है, उसमें से डीएनए मिल जाता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर में लावा के पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिलते हैं, उसमें से डीएनए मिल जाता है। समुद्र के नीचे, ओशियन के नीचे से डीएनए मिल जाता है। ठीक है, तो डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसी की वजह से जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल में इसको रखा गया, इसकी ये क्वालिटी है। ठीक है, प्रोवाइड द म्यूटेशंस नीडेड फॉर इवोल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरफ तो हम लोग डीएनए को अपने को चेंज नहीं होना देना चाहते, दूसरा उसमें छोटा मोटा म्यूटेशन अलाउ करते हैं जिसमें इवोल्यूशन होता रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहे। ठीक है, ये बहुत बैलेंस्ड वे में होता है कि हम लोग अपने डीएनए को इतना भी म्यूटेट नहीं करना है कि हमें कोई डिजीज हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमें पता है म्यूटेशन की वजह से डिजीज भी होते हैं, कैंसर भी होता है, बट इवोल्यूशन के लिए वो नीडेड भी है। ठीक है, तो ये बहुत बैलेंस्ड वे में होता है, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो म्यूटेशन अलाउ ही ना करे, तो उस स्पीशीज का जो है इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेशन अलाउ करना चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एस मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग सेकेंड चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश ये देगी हम जो मेंडेलियन वाला जो जेनेटिक्स का चैप्टर है हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन वे में पढ़े, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये भी ऑनलाइन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो होते हैं, मेंडल्स के जो लॉ है उसको ये जेनेटिक मटेरियल फॉलो करे। ठीक है, मेंडल्स के लॉ हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएनए है, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, आरएनए से ये जो अमीनो एसिड का चेंज जो हम देख रहे हैं इसको पेप्टाइड बोलते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ के प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस
बेसिक प्रोसेस है। डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनने का ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज होकर जेनेटिक मटेरियल के। ठीक है, उसके बाद रीजन फॉर स्टेबिलिटी लेस रिएक्टिविटी ऑफ डीएनए, रीजन फॉर म्यूटेबिलिटी एंड हाई रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए। अब आरएनए को हम लोग रिएक्टिव समझते हैं और ज्यादा, मतलब लेस स्टेबल आरएनए को माना जाता है, डीएनए को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। क्यों? एक तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसको एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो स्ट्रक्चरली वो स्टेबल नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की वजह से क्या होता है, इसमें जो रिएक्टिविटी है उसकी कम हो जाती है, बट यूरेसिल होने की वजह से आरएनए में रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ टू प्राइम ओएच इन द शुगर, ठीक है, ये डीऑक्सी होता है, ये ऑक्सी होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है कि लाइफ ने, नेचर ने डीएनए को चुना फॉर जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, और वही क्वालिटीज चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल में। दस आरएनए इज अनस्टेबल, सो आरएनए वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफाज है, ट्यूबरकुलोसिस है, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। अब इसको हम लोग एक नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, आरएनए बहुत अनस्टेबल है, बट वही आप वायरसेस का एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि बहुत तेजी से वो म्यूटेट होते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग उनके वैक्सीन नहीं बना पाते क्योंकि वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बीमारी के लिए हम लोग वैक्सीन बहुत आसान से बना लेते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में उतनी डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है तो उतनी तेजी से वो म्यूटेट नहीं होता, इवॉल्व नहीं होता। बट वायरस के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, स्पेशली आरएनए वायरसेस जो होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग वैक्सीन नहीं बना पाते। ठीक है, तो आरएनए अनस्टेबल है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये वायरसेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कि वो तेजी से म्यूटेट होते हैं, इवॉल्व होते हैं और उनको किल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, इधर ए है तो इधर टी होगा, इनको हम लोग अपोजिट नहीं बोलते। ठीक है, अपोजिट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज होगा। यहाँ पर अगर एक स्ट्रैंड में सामने ए है इसमें टी होगा, यहाँ जी है तो सामने सी होगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ऑन हीटिंग दिस सेपरेट, अगर दो स्ट्रैंड है डीएनए के, अगर हम उसे हीट करते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं। इन एप्रोप्रिएट कंडीशन दे कम टूगेदर, वो फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये वापस से जुड़ के कॉइल हो जाएंगे। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ द हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय, इट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हीट किल्ड बैक्टीरिया जो था, ठीक है, उसमें भी डीएनए की प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुई और उसने जो रफ वाले को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया, तो हीट करने से भी डीएनए की प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इट इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर ड्यू टू स्टेबिलिटी, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेटर है, बट स्टोर करने के लिए, हजारों सालों तक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है। तो हमारे सिस्टम ने क्या किया, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो तो जेनेटिक मटेरियल हमने डीएनए यूज किया, बट सेल के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम लोग आरएनए को भी यूज करते हैं। मीन्स हमारे अंदर डीएनए भी होता है हमारे सेल के अंदर और आरएनए भी होता है। ठीक है, बट जेनेटिक मटेरियल बोला जाए हमारे अंदर, दैट इज जो है यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि डीएनए बॉस है सेल का। ठीक है, डीएनए जो है वो बॉस है सेल का, वो कुछ काम खुद नहीं करता, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बॉस के पास एक बुक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसको पता चलता है कि भाई 26 तारीख को मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, तो बॉस क्या करेगा, अपने रूम की जो बेल है वो बेल दबाएगा। ठीक है, और उसका सेक्रेटरी जो है उसके पास आ जाएगा। सेक्रेटरी कौन है, आरएनए। अब अपनी जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो आरएनए को देगा, मींस
डीएनए जो है अपनी इंफॉर्मेशन से आरएनए को इंफॉर्मेशन देगा, आरएनए एक मैसेंजर का काम करेगा, इसलिए यहां पर इसको हम एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए के पास कोई मान लो सेल के रेस्पेक्ट में बात करूं कि मान लो किसी ने खाना खाया और ब्रेन ने सिग्नल दिया, बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, इसने खाना खाया है और खाने के साथ इसने दो रसगुल्ले भी खाए हैं, जिससे अब इसका शुगर लेवल बढ़ेगा, तो हमें इंसुलिन बना लेना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन, मींस बॉडी में जितने भी फंक्शन है वो प्रोटीन करता है, मेन वर्कर या लेबर बोले तो वो है प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और डीएनए काम नहीं करते, ठीक है, काम तो करते हैं बट डायरेक्ट एक्शन नहीं करते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करके मेन मजदूर को बताते हैं, मेन मजदूर तो है प्रोटीन, ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो है प्रोटीन। तो डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये काम करवाना है, आरएनए को बताया, डीएनए अपने चैम्बर से न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, आरएनए उसका सेक्रेटरी जो है वो चैम्बर से बाहर जा सकता है। अब आरएनए जब बाहर गया तो पहले डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस ट्रांसलेशन। अब आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर जाएगा उसके ऊपर राइबोसोम्स बैठेंगे, राइबोसोम्स हमें पता है, हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था, राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, मतलब यूकैरियोट्स में 80S टाइप, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप, वो उस आरएनए को रीड करेंगे, मींस सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है उसे बाहर कोई ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है, मान लो सेक्रेटरी जो है, बॉस ने इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दी सेक्रेटरी को, ठीक है, और सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन लेके आया वो इंग्लिश में लेके आया, और जो बाहर जो मजदूर है उनको इंग्लिश आती नहीं, तो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है आरएनए के पास उसको इंग्लिश में से गुजराती में या इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना रहे, वो इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक्चुअल काम जो इंसुलिन को इंसुलिन का करेगा वो एक प्रोटीन होगा, मींस इंसुलिन इज अ प्रोटीन जो कि शुगर लेवल को बॉडी में कम करने का काम करेगा। ठीक है, बट इंसुलिन क्या अपने आप पढ़ने लगेगा? नहीं, इंसुलिन बनने का इंफॉर्मेशन कहां से आया? डीएनए से। ठीक है, तो प्रोटीन ऑटोनोमस नहीं है, प्रोटीन खुद से नहीं बन सकते, उनको बनाएगा डीएनए, ठीक है, इसलिए ये कंट्रोल्ड है डीएनए से, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, तो इसके थ्रू ये चलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर डीएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बना दे, डायरेक्ट आरएनए का क्या काम है? तो तुम मुझे जो है डायरेक्ट जो है दूध से जो है डायरेक्ट छाछ बना के दिखा दो, ठीक है, नहीं बन सकता, तो इसमें भी ये स्टेप है कि दूध से पहले हम दही बनाते हैं, दही से छाछ बनता है, ठीक है, डायरेक्ट क्यों नहीं बना देते, अगर मुझे छाछ ही बनानी है तो मैं दही क्यों बनाऊं? तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्योंकि डीएनए आरएनए आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देगा और आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन जो है काम करेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो सब प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, तो एंजाइम्स के थ्रू हमारा सिस्टम चलता है, तो प्रोटीन जो है काम करेगा, बट उसकी इंफॉर्मेशन किस प्रोटीन को कहाँ बनाना है, ठीक है, कौन से सेल में कौन सी प्रोटीन बनेगी, ऐसा नहीं है कि देखो डीएनए सारे सेल्स में सेम है, मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स है सब में सेम डीएनए, बट मेरे स्टमक वाले सेल्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनती है, बट मेरे स्किन वाले सेल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनती, डीएनए दोनों में सेम, तो लोकेशन टू लोकेशन, सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, कौन सा डीएनए कहाँ काम करता है, कौन सा नहीं करता, ये भी बहुत रेगुलेटेड वे में चलता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग इसमें, आरएनए वर्ड, ठीक है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ऐसा हम लोग मानते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ होता था। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। ठीक है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब आरएनए वर्ल्ड में हुआ। ठीक है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी, आरएनए जो इतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं था जिसकी वजह से वो डीएनए बना। आरएनए जो हमारे सेल में, ह्यूमन सेल में जो मिलते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर एक टर्म आता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ का मतलब है कि क्या है ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, वही क्रिक जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इट स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, इट इज यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर हो रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा, ये यूनिवर्सल है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फॉलो होगा, ठीक है। डीएनए से डीएनए बन रहा है, इट कॉल्ड इज रेप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होगा। याद रखना इनके लोकेशन भी याद कर लो। डीएनए से डीएनए सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, मींस यूकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, एमआरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आएगा। उसको बाहर निकलते ही, जैसे न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा उसे राइबोसोम्स पकड़ेंगी। राइबोसोम्स एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़कर प्रोटीन बनाएंगी, ठीक है। प्रोटीन सा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मीन अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनेगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, और इस कंबाइंड प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ठीक है, व्हिच इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। अब जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और आरएनए से डीएनए बनाते हैं। हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ वायरसेस के अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि वो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे डीएनए से आरएनए बनने प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विच इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए वायरसेस, और किसी ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारे सेल में वो जाते हैं आरएनए वायरस, डीएनए में उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं अपने आरएनए को, फिर डीएनए के थ्रू ये पूरे सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद रखिए, ठीक है, को समझते चलिए। फिर हम लोग आगे जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन, इन सबको एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हर प्रोसेस को डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसके नोट्स बनाते जाओ और जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करते जाओ। एमसीक्यू सॉल्व करना सब लोग बढ़ा दो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूँ तभी सॉल्व करना है। अब आपको अपने आप जितनी ज्यादा मेहनत हो सके उतनी करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।